चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की। छोटा शिमला पुलिस थाने में शिकायत लेकर पहुंचा है एससी मोर्चा। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है, आरोप लगाया है पीएम मोदी को गाली दी गई है। एफआईआर नहीं की तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा, यह कहना है एससी मोर्चा का। एक और बड़ी खबर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर की मांग की गई है और कहा गया है कि उन्होंने पीएम मोदी को गाली दी है, आरोप लगाया है एससी मोर्चा ने ये, और ये शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा है एससी मोर्चा छोटा शिमला में, और यहां एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। अगला स्टैंड हमारा तब देखेंगे हम कि अगर क्या कार्रवाई होती है नहीं होती है, तो अगला जो है हम यहाँ पूरे प्रदेश भर में जो है एक धरना प्रदर्शन करेंगे और हम खंडन करेंगे उनकी इस बात का कि किस प्रकार जो है वो देश में एक वातावरण खड़ा कर रहे हैं, ओबीसी और आरक्षण खत्म करने की वो बात कर रहे हैं, और जो उन्होंने ये फेयरलेस की जो बात की है कि मतलब हमारा जब तक यहाँ जो है हिंदुस्तान में जो है ये ऐसा ना हो, ऐसा कहने का उन्होंने प्रयास किया है, तो हम इस बात का खंडन करेंगे और बहुत बड़े स्तर पर जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे ज़िला मुख्यालय पे जो प्रदेश के हमारी पार्टी के संगठनात्मक ज़िले और हमारे प्रशासनिक जो है 12 ज़िलों पर जो है हम ये एफआईआर करेंगे, तो मोर्चा इसमें जो है अग्रणी भूमिका निभाएगा और हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। जिस प्रकार उन्होंने जो है हमारे अनुसूचित वर्ग के लिए जो है अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो है इन पिछले 10